बड़ी खबर कोरोना की तीसरी लहर से जुड़ी हुई आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना की लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। तीसरी लहर को लोग दावत दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का बेहिसाब कहर झेलने वाली दिल्ली हो या मुंबई, यहाँ के लोग कोरोना से बेपरवाह दिख रहे हैं। दिल्ली का सदर बाजार हो या उखला मंडी या मुंबई का दादर मार्केट, लोग कोरोना को न्योता देते नजर आ रहे हैं। दोनों महानगरों की जरा तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा आप लगा सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले भले ही घटे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में और केरल में एक बार फिर बढ़ते कोरोना केस चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। तो लापरवाही से तीसरी लहर को न्योता लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का एहसास से उनको नहीं है कि उनकी थोड़ी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। जो अनलॉक की प्रक्रिया में से अभी हम उस प्रक्रिया में आए हैं, वो प्रक्रिया भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि एक विकल्प फिर लॉकडाउन का होगा अगर केसेस बेइंतहा बढ़े और तीसरी लहर ऐसे ही आगे बढ़ती रही, जो खतरा जताया जा रहा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सदर बाजार और दादर मार्केट की, दिल्ली और मुंबई की। तस्वीरें अलग अलग जगहों की जरूर है, लेकिन लापरवाही और लोगों में जागरूकता की कमी, ये दोनों जगह देखने को मिल रही है। जहां सदर बाजार में भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, चेहरे पर मास्क नहीं, और अगर है भी तो सही ढंग से मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वहीं दादर मार्केट के हालात भी कुछ ऐसे ही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,114 नए मामले सामने आए, जबकि 121 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। हैरानी की बात तो यह है कि अकेले मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 540 नए मामले आए हैं। मुंबई में 13 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। मुंबई के अलावा पुणे में कोरोना के मामले बढ़े हैं। पुणे में भी 24 घंटे में 331 मामले सामने आए, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। कोरोना की दूसरी लहर जैसे जैसे कमजोर पड़ रही है, पाबंदियों में छूट दी जा रही है, तो लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, सामने आ रही है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्री परिषद की बैठक में इस पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले वीडियो और तस्वीरों पर चिंता जताई है। उन्होंने बैठक में कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोश के साथ चल रही है, इसमें लापरवाही या कमी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और कोरोना से लड़ाई कमजोर हो सकती है। तो एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार पहले से ही अलर्ट पर है। सीएम योगी ने राज्य में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना नियमों में पाबंदियों में ढील मिलने के बाद दिल्ली समेत देश के कई शहरों में भीड़ की हैरान करने वाली तस्वीरें आईं। दिल्ली के खारी बावली बाजार और ओखला सब्जी मंडी में इतनी भीड़ कि पैर तक रखने की जगह नहीं। मध्य प्रदेश के धार और राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और कोरोना नियमों को तार तार करते ये लोग नजर आए। इन तस्वीरों को देखकर लग ही नहीं रहा कि कोरोना देश में फैला हुआ है। तीसरी लहर आने को है, खतरा उसका बरकरार है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, जरा दिल्ली के हालात बताइए, किस तरीके से प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, क्योंकि कई मार्केट तो बंद किए गए हैं। क्या कोई और नया आदेश दिया गया और लोग थोड़े सुधर रहे हैं क्या, लापरवाही थोड़ी कम हो रही है क्या? मैं आपको तस्वीरें सदर बाजार की दिखाती हूँ। दिल्ली भर में आधे दर्जन से ज्यादा मार्केट्स को बंद किया गया था कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन ना करने के चलते। अब एक बार ये सदर बाजार की तस्वीरें देखिए, ये अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी बाजारों के जो शटर हैं वो खुल रहे हैं, यानी कि मार्केट अभी खुल ही रही है, और ये भीड़ आप देख रहे हैं बाहर, अंदाजा लगाइए कि मार्केट अभी खुली नहीं है, खुल रही है, और लोगों की भीड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपको तस्वीरें दिखा चुकी किस तरीके से लोग मास्क नहीं पहने हुए। ये देखिए एक शख्स यहाँ पर आ रहे हैं, इन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ। मास्क कहाँ है आपका? मास्क लेने जा रहे हैं ये पूरी बाजार से घूम के आने के बाद। और इसी तरीके की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, क्योंकि इसी मार्केट से सटी हुई एक मार्केट में को बंद किया गया था कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन ना होने के चलते। एक महिला देख रहे हैं आप, ई रिक्शा पर बैठी हुई है, अपनी बच्ची के साथ है, ना खुद मास्क पहना है ना बच्ची को मास्क पहनाया। तो इस तरीके की तस्वीरें आम दिख रही है सदर बाजार में। दुकानदारों का कहना है कि वो दुकान के अंदर पालन करवा सकते हैं, पर सड़कों पे जो लोग निकल रहे हैं और जो मास्क नहीं पहन रहे हैं या जो
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उसके लिए दुकानदार कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक तस्वीर और मैं आपको दिखाऊं, अब यहां पर सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं वो दिखने लगे हैं। एक कोविड की टेस्टिंग वैन भी यहां पर नजर आ रही है, ये आप देख रहे हैं, एक टेस्टिंग वैन यहां पर लग गई है। साथ ही यहां पर दिल्ली पुलिस और जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं वो भी अब नजर आ रहे हैं। तो ये एक कदम यहां पर उठाया गया है जहां पर कोविड टेस्टिंग वैन को यहीं लगा दिया गया है, क्योंकि बहुत भीड़भाड़ वाला ये इलाका रहता है, सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग यहां पर आते हैं। तो उसके मद्देनजर प्रशासन की तरफ से एक ये कोविड टेस्टिंग वैन यहां लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस और जो वॉलंटियर्स हैं सिविल डिफेंस के वो दिख रहे हैं, लेकिन बाजारों में भीड़ और लोगों की लापरवाही भी उसी तरह से चरम में नजर आ रही है। रही आप सबके साथ, तो दिल्ली की देखी तस्वीरें आपने दिखा दी, जरा मुंबई की तस्वीर भी देख लेते हैं। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में भी लोग कोरोना के नियम को तोड़ते हुए दिखे। लोगों ने ना तो 2 गज की दूरी मनाई, ना ही मास्क लगाए लोग दिखे। लोग मास्क पर बहाने बनाते जरूर दिखे। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर हम देखें लगातार केसेस मुंबई में बढ़ते जा रहे हैं, आज 9000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, क्या किसी तरीके की पाबंदी की तरफ अब सरकार सोच रही है, राज्य सरकार की कुछ पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि ये केसेस पिछले 3-4 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से राज्य सरकार की कोशिश थी कि धीरे धीरे ढील दी जाए, लोग अपने काम धंधे पर लौटे, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सब्जी मार्केट से हो या रोड से दिखाई पड़े, ये पूरा का पूरा रोड देखिए बंद है। दूसरी तरफ अगर सब्जी मार्केट की तस्वीरें आपको दिखाएं तो सब्जी मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पर जो कोविड नियम है उसको फॉलो करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उसका साफ मतलब ये है कि आने वाले समय में राज्य सरकार जरूर इस पर फिर से एक बार विचार करेगी, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक मास्क ही एक ऐसा हथियार है जो आप इस्तेमाल लगातार करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी चिंता जता चुके हैं, मुख्यमंत्री लगातार टास्क फोर्स की बैठक कर रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी तो इससे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, और ऐसे में लोगों को मास्क ही लगाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आपको मार्केट में नज़र आ रही हैं उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये देखिए भीड़ आपको जो नज़र आ रही है, इस भीड़ का अंदाज़ा लगाइए कि अमूमन ये भीड़ मुंबई के अलग अलग हिस्सों में हर जगह आपको दिखाई पड़ेगी, और जैसे जैसे ढील मिल रही है वैसे वैसे लोग कोविड अप्रोप्रिएट को बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से लेवल वाइज खोलने की प्लानिंग कर रही थी उसी तरीके से लेवल वाइज बंद करने की भी प्लानिंग राज्य सरकार कर सकती है, ताकि कोविड की थर्ड वेव को आने से रोका जाए। ठीक है, आप रही जरा सा, देखिए कोरोना पाबंदियों में ढील मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के मनाली में तो सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हजारों लोग घूमने फिरने के लिए वहां पहुंच गए, हर जगह लोगों की भीड़ दिखने लगी है, सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा लग गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों ने ताक पर रख दिया, यही नहीं घूमने फिरने के चक्कर में लोग मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। सचिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि मनाली में मौजूद है। सचिन, कितनी तादाद में पर्यटकों की संख्या जब अलग अलग राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तो मनाली में पहुंचे हैं, उनको नियंत्रण में रखने के लिए किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए जिस तरह अभी जो जुलाई का महीना इसमें जो चल रहा है, ऐसे में मैदानी क्षेत्रों से काफ़ी सारे पर्यटक जो है मनाली का रुख कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में जो पर्यटक जो है मनाली में पहुंचे, ऐसे में जो है यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा भी जो है पूरे कदम यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। मैं तस्वीरें भी साथ में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है पुलिस के जवानों को जो है यहाँ पर तैनात किया गया है, जो लोगों को जो है यहाँ पर COVID-19 के प्रति जागरूक कर रहे हैं, और लोग जो है अब यहाँ पर जो है प्रशासन की जब सख्त कदम उठाए गए उसके बाद जो कोविड नॉर्म्स जो है फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकतर लोग जो अब यहाँ पर मास्क पहने हुए नजर आ रहे हो, यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमता हो यहाँ पर नजर आता तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे साथ कुछ स्थानीय व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह देखा है कि पहले काफ़ी भीड़ यहाँ देखी जाती, अब लेकिन कम भीड़ और लोग फॉलो कर रहे हैं? थोड़ी सी तो एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती नहीं है, और कुछ एक मतलब कि ऐसा भी हुआ है कि सैटरडे संडे को रश, वीकेंड पे रश जो है ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अब लोग खुद ही समझ रहे हैं कि भाई हमने थोड़ा सा दूर रहना है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हर चीज़ को देखना है। दुकानदार भी उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, लोगों ने बैनर पोस्टर भी अपनी दुकानों पर लगा दिए हुए हैं, तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है, पर फिर भी अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेफिक्र हैं और जो इन चीज़ों को मतलब कि नहीं मानते। और क्या लगता है अगर लोग जिस तरह की लापरवाही अगर करते रहे तो जो थर्ड लहर कह रहे थे कितना खतरनाक हो सकती है?
सर, अगर ये ऐसे ही चलता रहा और जिस तरीके से लोग यहाँ पे मतलब कि घूमने की जगह मस्ती मारने के बारे में सोच रहे हैं, तो थर्ड लहर का आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जो टूरिस्ट भी आ रहा है वो अपने आप को सोच रहा है कि मेरी शक्ल दिखाऊंगा तो शायद मैं यहाँ पे ज्यादा खूबसूरत लगूंगा माल रोड पे, तो इन चीजों को अवॉइड करें, घूमने का मजा लें। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो स्थानीय व्यक्ति, इनका भी कहना है कि जो भी पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल को जो यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। जी सचिन, आप रहिए जरा साथ। देखिए, उत्तराखंड में मसूरी के कैंपटी फॉल में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने के बाद जिला प्रशासन बहुत ही सख्त दिख रहा है। कैंपटी फॉल में अब सिर्फ एक बार में 50 लोग ही जा सकेंगे। टिहरी गढ़वाल के डीएम ने नया आदेश जारी किया और इसके मुताबिक एक बार में कैंपटी फॉल पर 50 लोग ही जा सकेंगे और सिर्फ आधा घंटा वहां रुक सकेंगे। वही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना के खतरे को लेकर एकदम सतर्क है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर बैठक की गई है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने होटल्स की बुकिंग 50% की व्यवस्था के तहत किए जाने के बाद भी कही और होटल एसोसिएशन की बैठक बुलाने की बात भी कही। कोरोना को लेकर बहुत ही सजग हैं, बहुत सतर्क हैं और हमने कल भी इसको लेकर एक मैराथन बैठक की है। कहीं पर भी हम किसी भी स्तर पर कोई भी जो है इसमें थोड़ी सी भी ढील नहीं देना चाहते और पूरी शक्ति से जो है जो नियम है कोरोना के उनका पालन करेंगे। इससे कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो होटलों में भी जो है वो 50% आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो है बुकिंग करी जाए, उसके लिए हम जल्दी होटल एसोसिएशन की भी मीटिंग बुलाने वाले हैं। प्रियंका, यानी आप देखिए सरकार नए सिरे से सोच रही है कि क्या जिस तरीके से अनलॉक किया है उसी तरीके से उसको खत्म भी किया जाए। दिल्ली सरकार की क्या प्लानिंग? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली सरकार पिछले एक दो हफ्तों से हम देख रहे हैं कि लगातार बाजारों को बंद करती जा रही हैं और उसके बाद टाइम दिया जा रहा है मार्केट एसोसिएशंस को ये बताने के लिए कि वो किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन हो, यही आगे की भी रणनीति नजर आ रही है। हालांकि स्ट्रिक्टनेस दिख रही है और जैसे कि मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया कि ये देखिए सदर बाजार जैसी जगह पर टेस्टिंग वैन्स भी लगा दी गई है ताकि जो भीड़ में लोग आ रहे हैं उनकी रैंडम टेस्टिंग की जा सके। और मैं अंदर की तस्वीरें आपको अंदर की तरफ थोड़ी सी तस्वीरें यहां पर दिखा रही हूं जहां पर हम देख रहे हैं कि सदर बाजार की दुकानें अभी खुलना शुरू हुई हैं लेकिन लोगों की भीड़ यहां लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में अब यहां पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी दिख रहे हैं। आप देखिए हालांकि काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, खड़े हैं एक टेबल के पास सब जो 4-5 वॉलंटियर्स हैं वो दिख रहे होंगे आपको। लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि धीरे 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 सदर बाजार में अब भीड़ बढ़ने लगी है। जब पहली कोरोना वेव आई थी तो सबसे पहले सदर बाजार को सुपर स्प्रेडर मार्केट मानकर बंद किया गया था। ऐसे में व्यापारी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि बाजार बंद हो, ऐसे में अपनी तरफ से कदम उठाने की बात करें। लेकिन जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जो घरों से बाहर निकल आ रहे हैं, जो पूरा परिवार लेकर ऐसे बाजारों में आ रहे हैं जो वैसे ही सुपर स्प्रेडर है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, सक्रिय गलियां हैं, 4 लोग भी साथ में चलते हैं तो टकराते हुए चलते हैं, सोशल डिस्टेंस यहां चौड़ी रोड में मेंटेन नहीं करते, अंदर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, परिवारों के साथ निकल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने के साथ साथ मास्क भी गर्दन पर लटकाए घूम रहे हैं, होने के बावजूद उसे चेहरा नहीं ढक रहे हैं, तो स्थितियां खराब होती हुई दिल्ली की नजर आ रही है। हालांकि अभी केसेस की बात करें तो बहुत ज्यादा उछाल नहीं है लेकिन प्रिकॉशनरी वे में दिल्ली सरकार इसे स्ट्रिक्टली डील करने का प्लान कर रही है। जी रहिए आप जरा साथ। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर की तस्वीरें भी दिखाएं, वहां पर सीताबड़ी लोकल मार्केट में लोग कोरोना के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पूरी तरह से उसके अनदेखी कर रहे हैं। कोरोना के खतरे से बेपरवाह लोग मास्क लगाना तक भूल गए और सोशल डिस्टेंसिंग तो बात ही छोड़ दीजिए। और नागपुर का ये दृश्य अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से नागपुर के मार्केट में भीड़ देखने को मिल रही है। अगर नागपुर की अगर फिलहाल कोरोना की स्थिति देखें तो नियंत्रण में दिख रही है लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सीधे तस्वीरें हैं, लोग बिना मास्क के यहाँ देख सकते हैं, दुकानदार हो या ग्राहक हो सब बिना मास्क के दिख रहे हैं। लोगों का जो डर है कोरोना का वो निकल गया है, इसके चलते ये सब तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। सबसे बात है कि प्रशासन की तरफ से अभी भी पाबंदियां लगाई हुई है, मास्क पहनना अनिवार्य है, इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को देखें तो इस तरह के हमें दृश्य देखने को मिल सकते हैं और बड़ी संख्या में, ऐसा नहीं
कि कुछ लोगों ने ही मास्क नहीं पहना है, बड़ी संख्या में लोग मास्क नहीं पहनते हुए हमें नागपुर के ये रास्ते पे दिख रहे हैं। और फिलहाल अगर नागपुर की स्थिति देखी जाए तो पिछले 24 घंटे में 20 मामले सामने आए। इसका मतलब यह है कि मामले भले ही कम हो लेकिन लोगों का जो बर्ताव है वो सही नहीं दिख रहा है। जिस तरह से लोग बगैर मास्क फिरते हुए रास्ते पे दिखते हैं तो एक चिंता का विषय है, क्योंकि सबको पता है कि पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, भले ही दूसरी लहर कम हुई है लेकिन तीसरी लहर का जो अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि अगर देश में देखा जाए तो महाराष्ट्र और केरल ये जो दो ऐसे राज्य है जहाँ पूरे देश में आधे मामले रोजाना निकल रहे हैं। अभी भी महाराष्ट्र में देखा जाए तो रोजाना 8,000 और 10,000 के बीच मामले निकल रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जरा वहां से तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि केसेस महाराष्ट्र में हर गुजरते दिन के साथ बढ़ ही रहे हैं, लोग क्या अब डर रहे हैं तीसरी लहर के खतरे से? देखिए फिलहाल तस्वीरें देखकर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैं अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये देखिए ट्रैफिक, देखिए आप अंदाजा लगाइए कि इस तरीके का ट्रैफिक करीब 1 से 2 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है दादर इलाके में, जहां पर लोग बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। ये देखिए जो बाइक से जा भी रहे हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है कोविड का खतरा अब नहीं रहा। अमूमन यही हाल आपको दूसरी जगहों पर जो टैक्सी है, जो दूसरे जो व्हीकल चलाने वाले लोग हैं उनको भी आप देखिए, ये देखिए बाइक से जो जा रहे हैं सब मैक्सिमम बिना मास्क के जा रहे हैं। जो लोग मास्क लगाए भी हैं वो सिर्फ पुलिस के चालान से बचने के लिए मास्क लगा रहे हैं या मीडिया के कैमरे से बचने के लिए मास्क लगा रहे हैं। यही हाल सब्जी मंडियों का है, यही हाल मार्केट्स का है। तो ऐसे में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है महाराष्ट्र में, और धीरे धीरे महाराष्ट्र में केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। दूसरी लहर भी महाराष्ट्र और केरला से ही शुरू हुई थी, जब पूरे देश के आधे से ज़्यादा मामले महाराष्ट्र से आने शुरू हो गए थे। अब जब महाराष्ट्र में केसेस कम हुए, लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अब लोग जो लापरवाही पहली या दूसरी लहर में की थी अब तीसरी लहर में नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वैक्सीनेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक मास्क ही एकमात्र हथियार है, ये प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री कह चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस तरीके की स्थिति नजर नहीं आ रही है। लोग फिर से लापरवाही बरतना शुरू कर चुके हैं महाराष्ट्र में। रहिए आप जरा साथ, देखिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी सैलानी जो हैं वो भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। पहलगाम पहुंचे सैलानी मस्ती में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भूल गए, ना ही लोगों ने सैर सपाटे के दौरान मास्क लगाया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की। वहीं दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी से भी चौंकाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ओखला सब्जी मंडी में भारी भीड़ दिख रही है, सब्जी खरीदने के लिए लोगों की इतनी भीड़ उमड़ी कि मंडी में पैर तक रखने की जगह नहीं है। ओखला सब्जी मंडी में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम उसका पालन कर रहे हैं और ना ही लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं। वहीं दिल्ली के खारी बावली बाजार में भी लोग जमकर नियमों का उल्लंघन करते दिखे। बाजार में इस कदर भीड़ उमड़ी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पूरी तरह से भूल गए। खीरी बावली बाजार पहुंचे लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। ये तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं जहां पर भारी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, चेहरे पर मास्क लेकिन आपको तस्वीरों में नजर नहीं आएगा। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, कई मार्केट को बंद किया गया है, कई तरीके से एक्शन अभी दिल्ली सरकार ले रही है, लेकिन जो लोग वहां पर आपको दिख रहे हो, जरा अगर उनसे बात कर पाए, क्या उन्हें इन दोनों में से कोई भी डर है कि मार्केट बंद हो गया तो उनकी रोजी रोटी पर आ जाएगी और तीसरी लहर का खतरा आया तो उनकी जिंदगी पर बन जाएगी? प्रियंका, शायद प्रियंका तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन ये सवाल तो देखिए अभिषेक मुंबई के लिए भी लागू होता है। क्या वहां पर लोग डर रहे हैं कि फिर से वो लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच सकते हैं, तीसरी लहर आई तो जिंदगी का खतरा एक बार फिर से बढ़ सकता है? देखिए सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में ही हुई थी, और कोरोना के जो भी नए वेरियंट्स हैं चाहे वो डेल्टा की हो या दूसरी चीजें हो, वो महाराष्ट्र से ही इस समय निकल रहा है, जो केसेस सामने आ रहे हैं उसके बाद दूसरी जगहों पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन लोगों के भीतर किस तरीके से जागरूकता है, ये देखिए बिना मास्क के
चाचा जो बाइक चलाते हुए चले जा रहे हैं, और इसी तरीके से आपको दूसरी तस्वीरें भी आप देखें कि किसी को भी जो बिना मास्क के नजर, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों के भीतर किसी भी तरीके का खौफ नहीं है थर्ड वेव आने का। उन्हें लगता है कि जैसे सेकंड आई वैसे थर्ड आएगी, लेकिन राज्य सरकार लगातार कह रही है कि थर्ड वेव इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, और ख़ास करके अगर आप कैरियर बनते हैं और बच्चों तक जाते हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ उन तक पहुँचते हैं तो निश्चित तौर पर ये खतरा बड़ा हो सकता है। लेकिन लोगों को खतरे का अंदाजा नहीं है, और या फिर इस तरीके का अंदाजा जो अभिषेक रही है जरा आप साथ। वही मध्य प्रदेश के धार की तस्वीरें भी दिखा दें, वहां पर देखिए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लापरवाही वाली तस्वीरें देखने को मिली। धार के तीसगांव में सेंटर पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भूल गए। लोगों की भारी भीड़ सेंटर पर उमड़ पड़ी। इस दौरान ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। हैरानी की बात तो ये कि सेंटर पर मौजूद किसी अधिकारी ने भीड़ को काबू करने की जहमत तक नहीं उठाई। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी एक वैक्सीनेशन सेंटर से बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें आई। श्रीगंगानगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। वैक्सीन लगवाने पहुंचे ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। हालात इतने खराब थे कि जिस कमरे में वैक्सीन लगाई जा रही थी वहां भी लोग दो गज की दूरी का नियम भूल गए और पास पास में खड़े नजर आए। वहीं ओडिशा के गंजाम में वैक्सीनेशन सेंटर से हैरान करने वाली तस्वीर आई। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी और इस दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिखी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नदारद दिखी। कोरोना के खतरे से बेपरवाह ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। पिछले 15 दिन में 18 आतंकी मार गिराए गए हैं। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो 6 आतंकी ढेर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं कश्मीर के कुलगांव में आज भी मुठभेड़ हो रही है और 2 आतंकियों के गिरे जाने की खबर है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जैसे ही थोड़ी भी जानकारी आतंकियों के छिपे होने की मिलती है सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन चलाती है। 24 घंटे में अगर देखें तो 6 आतंकी 24 घंटे में ढेर हुए हैं और आज भी एक मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया। एक दिन पहले भी सुरक्षा बल ने यहां 2 आतंकियों को मार गिराया था। दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं और संदीप बोल हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। रिफत का जल्दी से पहले रुख। रिफत, फिलहाल जरा बताइए कि कितने आतंकी अभी वहां पर हैं, क्या ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है और कितने आतंकी ढेर किए गए अभी तक? देखिए अर्पिता, रात के दौरान ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन शुरू किया गया था कुलगाम एरिया में, और वहां पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि वहां पे मिलिटेंट छुपे हैं, फौरन कोऑर्डिनेट किया गया और मुठभेड़ शुरू हुई। हालांकि अभी भी ऑपरेशन जारी है, ऐसा भी कुछ समझा जा रहा है कि शायद मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए रात के दौरान। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले 15 दिनों में 18 मिलिटेंट मारे गए हैं और उसमें कुछ कमांडर भी शामिल हैं, और एक साल में अभी तक 71 मिलिटेंट मारे गए हैं अलग अलग एनकाउंटर्स में। लेकिन हमने देखा कि पिछले 15 दिनों से बहुत ज्यादा सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ पुलिस वालों की किलिंग हो गई थी, 3 पुलिस वालों को मार दिया था मिलिटेंटों ने और कुछ सिविलियंस को भी मार दिया था, और खासतौर से एक इंस्पेक्टर जो CID में काम करता था श्रीनगर के नौगाम इलाके में उस पर अटैक किया गया। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत तेजी के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए और उसमें काफी जगहों पे मिलिटेंट ट्रैप हो गए और 18 मिलिटेंट जो है 15 दिनों में मारे गए, और जिस तरीके से आपने कहा कि 24 घंटों में 6 मिलिटेंट मारे गए। और अभी लगातार इनपुट्स अलग अलग एरिया से हासिल कर रहे हैं सुरक्षा कर्मी और वहां पे कॉर्डन लगाया जाता है। फिलहाल कुलगाम में अभी ऑपरेशन जारी है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए रात के अंधेरे में, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, सर्च ऑपरेशन जारी। बिल्कुल, तो देखिए ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इलाके में जितने आतंकी उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल की कार्रवाई लगातार जारी है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की ही खबर कि सेना के जवानों ने पिछले 15 दिनों में अलग अलग इलाकों में हुई मुठभेड़ में 18 आतंकियों को मार गिराया। एक दिन पहले ही अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ के दौरान 6 आतंकी ढेर हुए। कुलगांव में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के हाथों 2 आतंकी मारे गए, जबकि पुलवामा में भी जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं राजौरी में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, इस दौरान 2 जवान भी शहीद हुए।
संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। संदीप, यानी देखिए जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, उसी का असर है कि पिछले 15 दिन में 18 आतंकी ढेर किए गए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं वो ये बात साफ करके दिखा रही हैं कि जितने भी आतंकी हैं उनको जो है एक्टिविटी करने से पहले ही उन्हीं के घर में जाके ढेर कर दिया जा रहा है। क्योंकि अर्पिता, ये जो पूरा पैच है जम्मू कश्मीर में जो इलाका है पूरा, यहाँ पे मौसम के हिसाब से जो है घुसपैठ की कोशिशें होनी शुरू होती है। चूँकि अब बारिश आने वाली है, ऐसे में ये जम्मू का रीजन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अभी हाल फिलहाल ही पता कई सारी ऐसी गतिविधियाँ जम्मू के रीजन में हो रही हैं और इस ये बिल्कुल पीक टाइम है जब जम्मू में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है। जम्मू में जो अटैक हुआ ड्रोन अटैक के बाद से जो है लगातार हलचलें देखी जा रही हैं। कठुआ में भी जो है 4 ऐसे आतंकियों के देखे जाने की खबर है जो कि सेना की वर्दी में है। लोगों ने जब बताया तो पुलिस अब छानबीन कर रही है। तो अभी इस वक्त बौखलाया हुआ है पाकिस्तान पूरी तरीके से, क्योंकि FATF में उसको ग्रे लिस्ट पर बरकरार रखा गया है और जम्मू कश्मीर में वो किसी बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे नहीं पा रहा है। लिहाजा उसने जो है अपनी सारी कोशिशें इस वक्त शुरू कर दी हैं। ड्रोन के जरिए ना सिर्फ सर्विलांस कर रहा है, वो नए रूट तलाशने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं जो है आतंकियों को घुसपैठ भी कर रहा है। तो बारिश आने से पहले पहले जो है, क्योंकि बरसातों के समय वो पूरा इलाका जो है बहुत ज़्यादा पानी से भर जाता है, LOC के आसपास का इलाका, IB के आसपास का इलाका, तो ऐसे में वहाँ से घुसपैठ की कोशिशें ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में बारिश से पहले ये कोशिश में लगा है कि किसी तरीके से अंदर इन्फिल्ट्रेशन करा दी जा सके। और जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की बात करें, कश्मीर में भी जो है इस तरीके की गतिविधियों को तेज़ किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, रिफत का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। रिफत, अभी भी जानकारी मिल रही है कि मुठभेड़ चल रही है, कितने आतंकी इलाके में अभी बताए जा रहे हैं जिनको घेरा गया है? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से मैंने कहा कुलगाम की जहां तक तो बात है कि रात के दौरान ही कॉर्डन से ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसमें कॉन्टैक्ट भी एस्टैब्लिश हुआ। मिलिटेंट वहां पे थे, उन्होंने फायर खोला और उसके बाद ये फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक चला, लेकिन उसके बाद जो है कोई कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ। हो सकता है कि मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हुए हों, क्योंकि इससे पहले भी काफी जगहों पर मिलिटेंट जो है वो भाग निकलने में कामयाब हुए, रात के अंधेरे का उन्होंने फायदा उठाया। लेकिन अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, ढूंढा जा रहा है मिलिटेंटों को और इस ऑपरेशन में अभी टाइम लग सकता है क्योंकि मिलिटेंट्स की जो प्रेजेंस थी, आखिर वो मिलिटेंट कहां गए, उनकी तलाश आर्मी, CRPF और पुलिस लगातार कर रही है। ठीक है, आप रही जरा साथ, एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए वो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। कठुआ के जतपाल इलाके में 4 आतंकियों के देखे जाने की खबर के बाद सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। न्यूज 18 के पवन शर्मा के मुताबिक गांव वालों ने इलाके में 4 संदिग्ध लोगों को देखा, इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। जांच के दौरान सुरक्षा बल को आतंकियों के पैरों के निशान भी मिले। फिलहाल संदिग्धों की तलाश जारी है। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। पवन, देखिए जतवाल इलाका है जो सांबा और जिला कठुआ के सेंटर में पड़ता है, यहाँ पे रात को लगभग 4 के करीब संदिग्ध लोग जो आर्मी यूनिफॉर्म में थे और हथियारों से लैस थे, उनकी मूवमेंट गांव के पास देखी गई, जिसके बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचित किया है। अब पूरे इलाके को घेरा गया है और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी की टीमें भी जॉब पे लगी हुई हैं और जो फुटप्रिंट मिले हैं 4 लोगों के, वो उन्हीं को ट्रैक करते हुए पूरे इलाके को घेर के जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से लेकर बॉर्डर तक का पूरा एरिया सील किया गया है और वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो पवन, ये कितने आतंकी, 4 आतंकियों की जानकारी मिल रही है, क्या पैरों के निशान इन्हीं 4 आतंकियों के मिले? क्योंकि ये भी जानकारी कि सेना की वर्दी में ये आतंकी वहां पर मौजूद थे। आप बिल्कुल, देखिए जम्मू एयरफोर्स पर जब ड्रोन से हमला हुआ था एयरफोर्स स्टेशन पर, उसके बाद ही अलग अलग इलाकों में पहले से ही अलर्ट साउंड किया गया था। इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ LOC के ऊपर भी आर्मी व पुलिस की टीमों को डिब्यूट किया गया था और रात को यही कुछ संदिग्ध लोग देखने के बाद नजदीक ही जो पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम थी उनको बताया गया, तभी से पूरा एरिया घेरा गया है। और जो बताया जा रहा है कि 4 लोग थे और उनके फुटप्रिंट भी मिले हैं कि वो कौन से इलाके की तरफ निकले हैं, तो उन्हीं पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। पवन, आप नजर बनाए रखिए। उधर राजौरी के सुंदरबनी में शहीद हुए 2 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। एक दिन पहले आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद हुए थे और उनके पार्थिव शरीर को जैसे ही राजौरी के अस्पताल में लाया गया, वहां लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाने शुरू किए। लोगों ने शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर पर फूल भी बरसाए। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब पार्थिव शरीर उस इलाके में पहुंचा, लोग देशभक्ति के गाने गाते वहां पर नजर आए, फूल बरसाकर अपनी श्रद्धांजलि देते भी ये लोग नजर आए।
संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। संदीप देखिए, लगातार आतंकियों को ढेर किया जा रहा है लेकिन हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, इसलिए और भी वहां पर ऑपरेशन जो है तगड़ा चलाना पड़ेगा ताकि जो आतंकी घुसपैठ की कोशिश में भी है, क्योंकि ड्रोन भी देखे गए हैं, कुछ नई रणनीति भी उनकी समझ में आ रही है, उसे भी अब मुंहतोड़ जवाब देना होगा। बिल्कुल, देखिए कोशिश तो हमेशा यही रहती है सेना की कि अपनी एक भी कैजुअल्टी ना हो और जो टेररिस्ट है उनको बिना किसी कैजुअल्टी के जो है न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और उसी के हिसाब से उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन कभी कभी इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं जिसमें कि भारतीय सेना के जवानों को भी शहादत हो जाती है, लेकिन कभी सेना का मनोबल जो है कभी इससे कम नहीं होता। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही फोकस है कि किस तरीके से कश्मीर से आतंकियों का सफाया करना है, और किस भी तरीके की कैजुअल्टी अगर भारतीय सेना को होती है भी उनका मनोबल कम नहीं होता और वो दुगनी स्पीड से जो है टेररिस्ट को जो है एलिमिनेट करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो अभी फिलहाल जो है पूरी तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान जो है समय समय पे जो है अपनी रणनीति को बदलने की कोशिश करता है और उसी हिसाब से चेंज भी करता रहता है अपने ऑपरेशंस के तरीके को, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कैसे वो ड्रोन का उसने इस्तेमाल किया, क्योंकि अमूमन ये नहीं लग रहा था कि इस तरीके का भी कोई अपरेटस का इस्तेमाल कर सकता है, अंदेशा ज़रूर था। लेकिन अब भारतीय सेना भी लगातार जो है अपनी रणनीति को बदलते हुए अपने ऑपरेशंस को चला रही है और यही वजह है कि इस साल अब तक 71 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, यानी कि 71 आतंकियों को ढेर किया गया है। और हमारी तरफ अगर हम लोग बात करें कि फैटलिटी रेट की बात करें, हमारी कैजुअल्टी की बात करें, तो उस हिसाब से बहुत कम है। तो ये साफ है कि हमारी फोर्सेज जो है उन आतंकियों को किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले ही मार गिरा रहे हैं और ये एक बहुत कह सकते हैं कि अच्छी बात भी है। बिल्कुल, और साथ ही साथ सेना का जिक्र हम कर रहे हैं संदीप, लेकिन जो लोग हैं, स्थानीय लोगों का सपोर्ट भी अब भारतीय सेना को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि आतंकी किस जगह पर छुपे हुए हैं, क्या लोकेशन है, कहां कोई ऐसे संदिग्ध देखे गए, वो भी पता चल रहा है, और इसीलिए 15 दिन में ये आतंकी 18 ढेर हुए। देखिए, ये अगर बात करें कि लोकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, अगर आतंकी कश्मीर में पनप रहे थे तो उनको उस वक्त लोकल सपोर्ट था और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी भी ऑपरेशंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते थे और वो निकल जाते थे। लेकिन अब जो है वो पासा पलट गया है, अब आतंकियों के मूवमेंट की हर एक जानकारी जो है सुरक्षा बलों को लोकल लोग ही दे रहे हैं, क्योंकि आतंकी वहाँ पर आके जिस तरीके का बर्ताव उनके लोगों के साथ करते हैं उससे भी उनकी नाराज़गी है। और यही वजह है कि जो ह्यूमन इंट है, जो वो टेक्निकल इंट टेक इंट तो मिल ही रहा है, लेकिन ह्यूमन इंट जो है वो इस वक्त सटीक मिलने लगा है। और यही वजह है कि पिछले अगर 2-3 साल की बात करें, पिछले 2-3 साल में सबसे ज़्यादा अगर ऑपरेशंस किए गए हैं और वो भी सफल ऑपरेशन किए गए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को उनकी जानकारी वहीं पर रहने वाले लोकल दे रहे हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधि जो है उन सब इलाकों में हो। धारा 370 हटने के बाद से अब वहाँ के लोगों को उस बात का सुकून है कि जो बाकी सुविधाएँ बाकी देश भर में मिलती थी अब उनको भी वहां मिलनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में अब जो ट्रस्ट जो है वो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है और उसका नतीजा ही ये है कि वो सारी खबरें जो है सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचा रहे हैं आतंकियों के मूवमेंट की, और इसी वजह से इतने सारे एनकाउंटर भी हो रहे हैं। ठीक रही जरा आप साथ, देखिए जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया। एक दिन पहले भी सुरक्षा बल ने यहां 2 आतंकियों को मार गिराया था, और जैसे जानकारी मिली कि कुछ आतंकी अभी और हो सकते हैं, तो पूरे इलाके को घेरा गया। आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच इस बार मुठभेड़ चल रही है। संदीप, यानी देखिए लगातार आतंकी जो छुपे हुए हैं इलाके में उन्हें ढूंढा जा रहा है, न सिर्फ ढूंढा जा रहा है, ये मुठभेड़ भी हम देख रहे हैं कि हर रोज रात में भी मुठभेड़, सुबह भी मुठभेड़, यानी जो भी आतंकी इलाके में हैं उनको ढेर करने की पूरी योजना, पूरी रणनीति के साथ सुरक्षा बल आगे काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, अगर हम लोग बात करें जो पाकिस्तान का नेफेरियस डिज़ाइन है वो सीधे तौर पर ये दिखाता है कि इंटरनेशनली अपने आप को जो है पाक साफ दिखाया जाए और अंदर खाने जो है वो सारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए जिससे उनको फ़ायदा होता नज़र आता है। और यही वजह है कि वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, पिछले 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, LOC पर एक भी फायरिंग नहीं हुई है, सीज़ फायर वायलेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन वहीं जो है LAC के थ्रू जो है आतंकियों को भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं लगातार।
लगातार पैसा वहाँ से भिजवाया जा रहा है, ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान कोशिश में हमेशा यही लगा रहता है कि उसका जो मकसद है वो पूरा हो सके। वो उसका मकसद ये है कि घाटी में कभी भी स्टेबिलिटी ना आए, और उसी को देखते हुए भारतीय सेना भी जो है लगातार उसके जो डिज़ाइन है, नेफेरियस डिज़ाइन है, उसका जो है काट ढूंढती रहती है। यही वजह है कि जो आवाम है, आवाम के साथ जो है भारतीय सेना सुरक्षा बलों ने अपने भरोसे को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, और यही वजह है कि उनको वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है आतंकियों को। कई बार देखा है हम लोगों ने कि आतंकी जो है धमकाते हैं, डराते हैं लोगों को, जो पुलिस वालों की हत्या हो रही है उसके पीछे का कारण यही है कि डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो अब उस डर से डरने वाले नहीं हैं। ठीक है संदीप, आप नज़र बनाए रखिए। इस बीच मुंबई के पास ठाणे से एक चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें आई हैं। वहाँ एक शख्स ट्रैफिक पुलिसकर्मी से उलझ गया। हुआ यूं कि सड़क पर नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी कर ट्रैफिक पुलिसकर्मी उस गाड़ी को तब उठाने लगे, तभी कार चालक वहां आ गया और पुलिस से उलझ गया। इस बीच वहां लोगों की भीड़ भी जुट गई, लेकिन उस आदमी का तेवर कम नहीं था, बल्कि वो पुलिस वालों को धमकी देने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि उस आदमी ने पुलिस वाले की वर्दी फाड़ देने की धमकी तक दे डाली। कुछ देर बाद कई और पुलिस वाले वहां पहुंच गए और उस शख्स को गिरफ्तार कर थाने ले गए, लेकिन थाने पहुंचते ही उस आदमी के तेवर बदल गए। वो पुलिस वालों के सामने रोने लगा और उनसे माफी मांगने लगा। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। तो आप देखिए, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की इस शख्स ने, जिसको अभी आप रोता देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले अगर इसको आप देखेंगे तो पुलिस वालों की वर्दी फाड़ देने की धमकी दे रहा है। ये दो तस्वीरें इसी बीच आपके सामने। जब गाड़ी इसकी उठी तो वहां पर मौजूद पुलिस वालों से ये उलझा, उनको धमकाने लगा, उनकी वर्दी फाड़ देने तक की धमकी दी, और उसके तेवर वहां पर लोग जब इकट्ठा हो गए, काफी पुलिस वाले आ गए, तब भी कम नहीं हुए। बाद में जब इसे थाने ले जाया गया इसकी गिरफ्तारी करके, उसके बाद वहां थाने जाते ही तेवर बदल गए और रोना आने लगा, और रोकर माफी की मांग करता हुआ ये शख्स। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आप, बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ।